साल हो गए खाते हुए। 30 साल। लेकिन इधर के छोला भटूरा शायद नहीं। छोले भटूरे हर किसी की पसंद है और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले छोले भटूरे इस जगह पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भाई क्विंटलों के हिसाब से छोले बनाते हैं रोज और लोग इतनी दीवानगी है पूरे इंडिया से लोग आते हैं ट्रेन पकड़ पकड़ के यहाँ सिर्फ छोले भटूरे खाने। और इंटरनेट पे ना यार भाई अभी तक आपने ऐसी मेकिंग नहीं देखी होगी कि इनके छोले बनते कैसे हैं। अब दुकान के अंदर सर राम राम। नमस्कार जी। राम राम भाई। पीछे आप बोल रहे बड़ौदा लेजेंडरी छोले भटूरे सर इंडिया के मैं बोलूँ सबसे हाईएस्ट सेलिंग सबसे नामी सबसे जाने जाने वाले सब लोगों का प्यार है जो मिलता है। और मतलब सर पहाड़गंज जाना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड लोग बोलते पहाड़गंज के छोले भटूरे। जी जी जी। अब मैं पंजाब से आया हूँ पंजाब में हर दुकान हर कार्ड पे लोग लिख के लगाते हैं पहाड़गंज दिल्ली के छोले भटूरे। जी। और वो लगाते सर आपकी वजह से पहाड़गंज में। अच्छा है सर हमारी मशहूरी कर रहे हैं हर जगह। क्या बात है। सर नाम क्या आपका। मेरा नाम पुनीत कोहली है और मैं थर्ड जनरेशन। पुनीत भैया पीछे मैं देख रहा हूँ पूरे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं रश पूरा है। जी जी जी। आप थोड़ा दिखाइए एक टूर दीजिए अपनी दुकान का। तो क्या फिर आज मैं एज ए कस्टमर चलता हूँ पहली बार अपनी दुकान पे। बिल्कुल। और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस चलता है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले कस्टमर एंटर होता है तो उसको यहाँ पे कैश काउंटर मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पे वो अपने टोकन कटवाता है। कैश काउंटर से आप आराम से अपना टोकन कटवाओ या तो उसको खाना है जो पैक करना है फिर उसके बाद वो यहाँ पे आता है चना काउंटर पे एंड यहाँ से वो अपने टोकन देके चने की प्लेट जो आप देख रहे हैं सामने अपने वो लेता है। ये जो सीजनल अचार है ये अमरे का अचार है। अमरा अमरा ये अम्रा वैसे जो सब्जी होती है ये वैसे ओके हरे रंग सब्जी होती है। ठीक है। और ये सीजनल होता है इसी टाइम चलता है 2-3 महीने। ओके। और इसके अंदर 0% कुछ भी खटास चलती है ये नेचुरली खट्टा है। नेचुरल खट्टा है। और ये आ गया ये हरी मिर्च का अचार आ गया और ये प्याज आ गए ये छोले आ गए और ये छोले सर जिसकी मतलब मेरे को लगता है वर्ल्ड वाइड कॉपियां बन चुकी हैं। नहीं सर सब लोग ऐसी रेसिपी मतलब यही चीज बना रहा है हर बंदा पर टेस्ट वो नहीं दे पाएगा मेरे हिसाब से। सबका सर अपना अपना यूनिक टेस्ट है सब अपनी जगह अच्छा बना रहे हैं। और जितने लोग यार यहाँ पे आते हैं पूरे इंडिया से सर दूर दूर से लोग आते हैं आपके पास छोले भटूरे खाने। जी बिल्कुल। तो मेरे को तो लगता है सर किलो नहीं क्विंटल के हिसाब से बनाते होंगे आप छोले। बस सर जो भगवान मेहर करता है बना देते हैं। क्या बात। बनाने वाला हुआ ऊपर से उतरता बना के चला जाता है। और जो सर आपके बुजुर्गों ने स्वाद बनाया आप उसका प्यार ले रहे हो बस लोगों से। बिल्कुल 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 हम तो उनकी ब्लेसिंग ले रहे हैं। बिल्कुल सर। ये पैकिंग काउंटर है अगर कस्टमर को पैक कराना हो तो इस काउंटर पे आता है और जब वो प्लेट लेता है अपने छोलों की तो वो यहाँ पे आके भटूरे लेता है अपने। भाई साहब ये चेक करो ये रे सीताराव दीवाजर के फेमस भटूरे सामने पूरा लाइनअप लगा हुआ है तवा पूरा भरा हुआ है और एकदम ना ये होते हैं फ्राई और फ्राई होने के बाद तवे के ऊपर आते हैं इससे भी ऑयल भी कम हो जाता है इसमें। हाँ जी हाँ जी इससे ऑयल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं कोई भी रैंडमली भटूरा उठाऊँ तो आप भटूरे में देखेंगे ऑयल बहुत नाम के बराबर है कि मैंने हाथ में भटूरा था लेकिन ऑयल नहीं था। अब मैं इसको अगर आपको खोल के दिखाता हूँ तो इसके अंदर आप स्टफिंग देखेंगे तो पनीर भी है मसाला भी है और हर बाइट में है हर बाइट में भरी हुई है अंदर तक और बिल्कुल फैला हुआ है हर जगह कोई ये नहीं कि थोड़ा सा बिल्कुल नाम के लिए है बढ़िया है हर चीज़ पूरी की पूरी है इसके अंदर। सारा सेटअप देख लिया बहुत ही हाइजीनिक बड़ा क्लीन सेटअप रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं दूर दूर से आपको प्यार दे रहे हैं। अभी मैं छोले देख रहा हूँ छोले देख रहे हो बड़े देखो मिलते तो हर जगह जी जी पर जो इसकी लुक आ रही है ना जी वो लुक मैंने वैसे देखी भी नहीं थी जी। तो बनते कैसे अपने छोले। देखो कुछ चीज़ें होती हैं बताई नहीं जाती दिखाई जाती हैं तो मैं आपको अब ले चलता हूँ अंदर जहाँ पे आप पूरा देखोगे कि मेकिंग हो कैसे रही है। क्या बात है बन रहे छोले। हाँ बिल्कुल बन रहे हैं पूरा दिन बनते रहते हैं। हाँ सॉर्ट ऑफ थोड़े थोड़े लॉट्स में बनते रहते हैं क्योंकि फ्रेश जरूरी है मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बार बनाते हो फ्रेश रहता है। फ्रेश रहते हैं बिल्कुल फ्रेश जैसे माल बिकता है नया माल बन जाता है। देखो तो जानो वाला है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिखाइए भैया कैसे। बिल्कुल आइए आप आइए इधर किधर आपको दिखाते हैं सारा सेटअप दिखा दिया ऊपर आ गए आपको दिखाने की इंडिया के नंबर 1 बिकने वाले छोले भटूरे के छोले बनते कैसे हैं। और इंटरनेट पे ना यार भाई अभी तक आपने ऐसी मेकिंग नहीं देखी होगी कि इनके छोले बनते कैसे हैं। दुकान में आप सालों से खा भी रहोगे आ भी रहोगे पर ये छोले बनाए कैसे जाते हैं ये आप देखो अभी इत्मीनान से। ये आ गई भाई छोले की ग्रेवी। हुआ ये किस चीज़ की ग्रेवी रहती है भैया। प्याज और गरम मसाला की ग्रेवी है और टेक्स्चर और कलर चेक करो इसका भाई कैसा है। ये आ गया भाई अदरक और मसाले वाला अदरक रहता है। 40 किलो छोले हैं भाई एक प्रात में। ये आ गया सूखा मसाला पूरा फैला के हुआ भाई 5 बार ना 40 किलो छोले बनाते जाते हो कैलकुलेट कर लो 200 किलो के करीब हो गए। ये किए जा रहे हैं भाई सीताराम दीवान चंद के कमाल के छोले मिक्स कंटेनर में कंटेनर नीचे जाने शुरू हो गए हैं। पलक झपकते ही भैया ने 40 किलो छोले तैयार कर दिए और हज़ारों प्लेट यहाँ पे बेची जाती है तभी इसको इंडिया के हाईएस्ट सेलिंग छोले भटूरे बोला जाता है। क्वांटिटी और ऐसे छोले नहीं देखे मतलब बहुत ही मेहनत का काम है
लोग तो 5 मिनट में खा के चले जाते हैं, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो आज मैं देख रहा हूँ। तो इससे आगे क्या दिखा रहे हो सर आप? इससे आगे अब आपको दिखाते हैं भटूरे बनाने का तरीका कि कैसे बनते हैं। तो आइए आप मेरे पीछे, यहाँ पे हैं आप लेफ्ट में अगर देखते हैं मेरे, तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई है जो फ्राइंग का काम है सारा का सारा। अंदर जो है डफिंग का है वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आप देखते हैं तो एक मैदा गूंदने की मशीन है। ओके कि जो मैदा भी हम लोग हाथ से नहीं गूंदते कुछ, ठीक है। तो सारा का मशीन से काम है वो आप देखते हैं। उधर पोटैटो बॉयलर पड़ा हुआ है। ओके एंड जो आलू भी उबलते हैं वो भी मशीन में उबाले जाते हैं। और ये भटूरे देखो फ्राई होके आते जा रहे हैं पैन के अंदर। पनीर भी यही भरते हैं? भटूरे में पनीर भी भरा जाता है। तो भाई देखो वही बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट में हम खा के चले जाते हैं, पर इसके पीछे पूरे दिन की आपके तो सर दादाजी से लेके अभी तक पूरे परिवार की मेहनत है। हाँ जी, हाँ जी। पर पूरे दिन आपके जो जितने लेबर है यहाँ पे जो सब बनाने वाले हैं उनकी भी बहुत मेहनत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत ही बढ़िया। तो पैकिंग्स हो रही है लगातार जा रही है, जो भाई दूर से आए हैं ट्रेन में लेके जाना चाह रहा है, कोई कहीं अपने घर लेके जाना चाह रहा है तो वो भी पैक करवा के लेके जा रहे हैं। भैया हमारी प्लेट लगा दो यार, एक यहाँ पे प्लेट लगवाते हैं और ये अपने खाते हैं आपको स्वाद कैसा है। इधर भी पैकिंग चल रही है, भैया पैक कर रहे हैं, अचार भी हो रहे हैं पैक साथ साथ में। और कस्टमर्स का क्राउड अभी भी आप देख लो यार, पूरा टाइम है भरी रहती है दुकान कस्टमर्स के साथ। ये चेक करो अपनी प्लेट तो तैयार हुई हुई है, हमारे साथ काफ़ी और लोग भी खाने वाले हैं, सबकी प्लेट्स लग रही हैं। वाह, तो यार बात ऐसी है पूरे इंडिया में ना हर दुकान के ऊपर लगा देते हैं दिल्ली पहाड़गंज के छोले भटूरे। जैसे पाव भाजी पे लिख देते ना बॉम्बे की पाव भाजी, बनाने वाला पाव भाजी का बॉम्बे ना गया हो पर लिखता बॉम्बे की पाव भाजी, वैसे भटूरे पे लिखा जाता है पहाड़गंज के छोले भटूरे। अब मेरे को पता है बोलना नहीं चाहूँगा पर उनमें से कई लोग आए भी नहीं होंगे कभी पहाड़गंज, पर फेमस है तो लिखा जाता है पहाड़गंज के छोले भटूरे। जो असली वाले हैं वो रे भाई आपके सामने प्लेट में, ये देखो कई जो है मेरे भाई उनको पसंद है एकदम फूले फूले भटूरे खाने, हाथ मार के फोड़ने। मेरे को पर्सनली ऐसे वाले पसंद है जो तवे पे सेक के दिए ना बढ़िया, वो वाले भटूरे। और एक खोल के आपको दिखाता हूँ, अंदर देखो पूरा माल मसाला भरा हुआ है, अंदर एकदम बढ़िया पनीर डाला हुआ है। भैया साथ में खा रहे भैया कैसे हैं नज़ारा पूरा? आप जिम वाले लगते हो भटूरे, फिर भी प्रैक्टिस तो करते हैं उसके साथ में अपने मन को नहीं मार सकते। स्वाद नहीं मारना, स्वाद लेने की तरफ के पास तो आ जाते हैं। बहुत बढ़िया खाने हैं, मन नहीं मार। देखो भाई छोले भटूरे खाने से भी ऐसी बॉडी बनती है, देखो भाई साहब देखो एक बार भैया जबरदस्त। मेरा मत देखना भाई, शर्म आ जाएगी मेरे को। ये देखो भाई ये आ गए भटूरे, एकदम बढ़िया सॉफ्ट भटूरे हैं। पास से दिखाओ भाजी, वन एक्स कर देना। ये देखो एकदम थिक गाढ़े छोले हैं, यार भाजी क्या खिला दिया ये। हेलो, ये क्या खिला दिया भैया, दीवाने हो जाओगे यार। एक तो यहाँ की लोकेशन रेलवे स्टेशन के पास है, जितनी भी ट्रेनें निकलती हैं जम्मू की तरफ जा रही हैं दिल्ली होके जाती हैं, स्टेशन पास है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप भी जब भी आओ ना दिल्ली, ट्रेन ही रुके जाए भाई भाग के बाहर आ जाना, खा के वापस चले जाना, मिस मत करना, स्वाद कमाल का है। मेरे को लगा था जैसे मसाले वसाले डाले ना मेकिंग में, आपने देखे कितने मसाले डाले, तेल डाला यहाँ पे, वो मेरे को लगा भाई स्पाइसी होंगे, स्पाइसी नहीं है, न्यूट्रल मसाले हैं, बच्चा भी खा लेगा बुजुर्ग भी खा लेगा। और स्वाद ऐसा है, यहाँ से खा के अपने शहर जाओगे ना और कुछ दिल्ली का याद करो ना करो ये प्लेट याद करोगे। तो खानी है जरूर आना पहाड़गंज में सीताराम जी के छोले भटूरे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक नहीं की तो भाई कर जाओ, क्यों नहीं की यार आपने।